और आज जो एससी एसटी ओबीसी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, घर पे भगवा झंडे लहरा रहे हैं, तो शायद अगर साहब मान्यवर काशीराम जी जिंदा होते तो वो जय श्री राम के नारे ना लगते, घर पे भगवा झंडे ना लगते, बल्कि चारों दिशाओं से बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज दिखाई देती। 1906 में उनका विवाह श्रीमती रमाबाई के साथ संपन्न हुआ। इन्होंने काफी मुश्किल भरे हालातों में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ वर्ण व गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के शिकार लोगों के हितों के लिए विभिन्न स्तर पर कड़ा संघर्ष किया और अनेकों प्रयासों के जरिए उनमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति भावना भी जागृत की। साथ ही इस व्यवस्था को बदलने के लिए भी काफी मेहनत व जिद्दोजहद। ये नज़ारा अक्सर आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई फिल्मों के गाने में देखा होगा। जी हाँ साथियों, अगर मैं भारत देश की बात करूँ रेवेन्यू के मामले में, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो यहीं का आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ की अलग अलग विशेषता है। अगर मैं इतिहास में जाकर बात करूँ तो लखनऊ अनेक बागों के कारण जाना जाता था और जो नवाबी अंदाज है उसके कारण भी लखनऊ अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो मैं इन सभी चीज़ों की बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं बात करूँगी लखनऊ में खासकर अंबेडकर स्मारक स्थल की। तो साथियों, जिस तरह से जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं या जनरल जानकारी में रुचि रखते हैं, सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ये खूबसूरत अंबेडकर पार्क कौन सी सरकार के शासन में बना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बहन कुमारी मायावती। जब उनका शासन उत्तर प्रदेश में आया तो उत्तर प्रदेश में इतनी खूबसूरत भव्य व ऐतिहासिक इमारतें उन्होंने देने का काम किया और हमने देखा कि इन्हीं इमारतों के कारण कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बहन कुमारी मायावती, उनको तमाम लोगों की तरफ से, खासकर राजनीतिक संगठन या आरएसएस की तरफ से टारगेट किया गया और उन्होंने ये तक कह डाला कि इन्होंने 600 करोड़ रुपए पत्थरों पर बर्बाद कर दिया। लेकिन वही 600 करोड़ की खूबसूरती आप आज इस अंबेडकर पार्क में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एक तरफ 1800 करोड़ रुपए का बनने वाला राम मंदिर और दूसरी तरफ मात्र 600 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश का जो एक तरह से नक्शा चमका और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश जाना गया और खासकर लखनऊ को लखनऊ जाना गया, तो वो सिर्फ साथियों बहन कुमारी मायावती के कारण जाना गया। तो आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। एक बार मैं चाहूँगी कि कैमरामैन से थोड़ा फोकस करके हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर जो पिलर बने हुए हैं आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत है। इनके शीर्ष पर जो हाथी है उसका जो मुख है वो चारों दिशाओं में बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत अलग तरीके से इस तरह की इमारतें देखने का अनुभव आज मुझे साझा हो रहा है। खैर, लखनऊ कई बार आना हुआ लेकिन पहली बार इस ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू होने का मौका मिला। और अभी जिस तरह से हमने वहाँ से एंट्री की थी, मैं एक बार चाहूँगी थोड़ा सा दिखाएं। ये एंट्री दरवाज़ा है, हम यहीं से अंदर आए थे और 20 रुपये का साथियों यहाँ पर पर्सन टिकट लगता है, तो यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा और टिकट मात्र 20 रुपये का है। और मैं इसका समय बता दूं, अभी जो मैंने पढ़ा था सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक ये खुला रहेगा, फरवरी तक, 29 फरवरी तक का टाइम है। उसके बाद टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सर्दियों का टाइम है, इसलिए मैंने आपको अवगत कराया है। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ, थोड़ा सा और इसका भ्रमण कराऊँगी आपको। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो एक पिलर है बहुत ऊंचा है और आप देख सकते हैं उस पिलर के ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है और चारों तरफ जिस तरह से आप देख पाएंगे हाथी बने हुए हैं चारों दिशाओं में। तो बहुत ही खूबसूरती और जिस तरह से शाम ढल रही है और ये ढलती हुई शाम और ढलती हुई सूरज की ये मध्यम मध्यम रोशनी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, बहुत ही अद्भुत अनोखा नज़ारा। और चारों तरफ जो फाउंटेन यहाँ पर बह रहे हैं वास्तव में अपनी खूबसूरती को एक छटा के तौर पर यहाँ पर बिखेर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर हम साफ़ सफाई की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई की व्यवस्था है और किस तरह से जो फर्श है वो शाइन कर रहा है, शायद मेरी पिक्चर्स भी उसमें दिखाई दे रही होगी मेरी शेडो। तो ये एक बहुत अच्छा अपने आप में अनुभव है यहाँ पर आने का। और लोग देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है लोगों ने अलग अलग तरीके से, यहाँ को संजो रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई रील बना रहा है। और साथ ही ये नज़ारा,
ये नज़ारा अक्सर आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई फिल्मों के गाने में देखा होगा। जी हाँ साथियों, अगर मैं भारत देश की बात करूँ रेवेन्यू के मामले में, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो यहीं का आता है, और जिससे कि सीधा सीधा सरकार को बहुत बड़े स्तर पर फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं कि पत्थरों पर पैसा लगाए, लेकिन आज वही पत्थर करोड़ों अरबों रुपये रेवेन्यू के रूप में भारत सरकार को मिल रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को। और जब भी साथियों किसी भी फिल्म की शूटिंग होती है, किसी नाटक की शूटिंग होती है, या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट वो सरकार को देता है, और उसके बाद यहाँ पर जाकर उसको परमिशन मिलती है। तो देखिए भव्य इमारतें और ये पिलर खूबसूरत। तो साथियों मेरे साथ बने रहिएगा, और यहाँ पर सामने एक बहुत बड़ा पिलर लगा हुआ है, और उस पर जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश बीएसपी सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, इसका निर्माण किस उद्देश्य को लेकर हुआ था और उसकी क्या रूपरेखा थी, वो पूरा का पूरा इस पिलर पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, अपने भारत देश में सदियों से व्याप्त वर्ण व जाति पर आधारित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था का जिंदगी के हर पहलू में सबसे ज्यादा शिकार यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोग रहे हैं, और इन वर्गों में समय समय पर अनेकों महान संत, गुरु व महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने इस गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलने व समतामूलक समाज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया तथा काफी कुर्बानियां भी दी हैं। यही मुख्य उद्देश्य है कि उनकी इस अभूतपूर्व त्याग तपस्या को देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व वाली बीएसपी की सरकार में विभिन्न स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जो आगे चलकर निश्चित ही इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। वैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार में हमेशा ही हर मामले में सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति के आधार पर सरकार चलाई गई है, और इसी ही सोच के आधार पर उन्होंने अपने देश में उन सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिनकी जातिवादी मानसिकता के कारण सदैव ही यहाँ उपेक्षा की गई है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ व अनंत निर्मित किए गए विभिन्न स्थलों का मामला है, तो उनमें से डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रमुख है, जिसकी विस्तृत रूपरेखा इस प्रकार से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल खास तौर से जिसके सम्मान में निर्मित किया गया है, उनका अर्थात बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मूह छावनी जिला इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम सूबेदार रामजी मालोजी तथा माता का नाम भीमाबाई था। वर्ष 1906 में उनका विवाह श्रीमती रमाबाई के साथ संपन्न हुआ। इन्होंने काफ़ी मुश्किल भरे हालातों में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ वर्ण व गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के शिकार लोगों के हितों के लिए विभिन्न स्तर पर कड़ा संघर्ष किया, और अनेकों प्रयासों के जरिए उनमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति भावना भी जागृत की, साथ ही इस व्यवस्था को बदलने के लिए भी काफ़ी मेहनत व जिद्दोजहद की। देश की आज़ादी के बाद वर्ष 1947 में प्रथम नेहरू मंत्रिमंडल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बने तक वर्ष 1848 में संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने संविधान सभा में मसौदा प्रस्तुत किया, और इनको भारत के संविधान निर्माता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इनके अथक प्रयासों के कारण ही इसी पवित्र संविधान के आधार पर यहां अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के इन कमजोर तबके के लोगों को स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए विशेष कानूनी सुविधाएं पहली बार नसीब हुई। साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट की एक समान कीमत का चुनावी सिद्धांत लागू करके इस देश के तमाम कमजोर वर्गों के लोगों को राजनीति में भी समुचित भागीदारी का कानूनी अधिकार दिलाया। संघर्ष की इस कड़ी में आगे चलकर दिनांक
14 अक्टूबर सन 1956 को इन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अंत में दिनांक 6 दिसंबर सन 1956 को नई दिल्ली में अपने सरकारी निवास स्थान 26 अलीपुर रोड में वे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समस्त जीवन न्याय, समानता व मानव अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित एवं चिंतन पूर्ण मानवीय मूल्यों पर आधारित रहा। उनके इन ऐतिहासिक व अस्मरणीय कार्यों को ध्यान में रखकर ही आदर सम्मान के तौर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में गोमती नदी के तट पर मान्यवर श्री काशीराम जी की इच्छा के मुताबिक चलकर एक ऐतिहासिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का निर्माण किया गया है, जिसकी पूरी झलक स्थल के अंदर निर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल में देखने के लिए मिलती है। उनकी यह सोच थी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक ऐसा वृद्ध और हर मामले में ऐतिहासिक व यादगार एवं विशाल सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया जाए, जिसमें देश में समय समय पर अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महान पुरुषों को भी आदर सम्मान मिले और उनका स्वरूप कुछ इस प्रकार का हो कि यह स्थल इन वर्गों के लोगों के लिए हर मामले में हमेशा प्रेरणादायी भी हो। मान्यवर श्री काशीराम जी कि इस सोच को ध्यान में रखकर ही वर्ष 1995 में माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के प्रथम शासनकाल के दौरान इस स्थल की नींव रखी गई, जिसका पूर्व में नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान था। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के दूसरे शासनकाल के दौरान सन 1997 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक के रूप में इसे विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो सन 2002 से लेकर 2003 के उनके तीसरे शासनकाल के दौरान भी जारी रही। तो साथियों, ये था इतिहास और इसको बनाने का जो एक उद्देश्य था, एक रूपरेखा थी कि किस उद्देश्य को लेकर या किस रूपरेखा को लेकर यह अंबेडकर स्मारक स्थल बनाया गया, वो सारा का सारा भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़कर बताया गया। और उसी के साथ साथ में आप यहाँ पर भी देख पाएंगे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर अंकित किए गए हैं, और वास्तव में ये वो गौरवशाली इतिहास है जिसको बहन जी के शासनकाल में जिसको कि बहन जी के शासनकाल में गढ़ने का काम किया गया। और पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए ये फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं वास्तव में। और यहाँ पर देखिए ये सुंदर सुंदर फ्लावर, आप देख सकते हैं कि इन फुब्बारों की फुब्बार में से छनकर जो पीछे हाथियों का दृश्य दिखाई दे रहा है वास्तव में बहुत ही अद्भुत और मनोरम दिखाई दे रहा है, अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ ये खूबसूरत शाम का दृश्य है। और ये सुंदर सुंदर खूबसूरत फूल, मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। तो आइए मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, और शाम हो चुकी है और धीरे धीरे जो लाइटिंग है वो आपको चारों तरफ दिखाई देगी। और ये वही खूबसूरत मंजर है जिसका मैं इंतजार काफी समय से कर रही थी। हाँ, इस स्मारक में मुझे वो स्थान दिखाई दे जो हमें फिल्मों में, चित्रों में लगातार दिखाई देता है। अगर नजर उठाकर देखें तो आपको पंक्तिबद्ध तरीके से एक के बाद एक बहुत ही सुंदर विशाल काय हाथी आपको पंक्तियों में दिखाई दे जाएंगे। और देख सकते हैं आप ये चारों तरफ हाथियों की जो पंक्तियाँ बनी हुई है वास्तव में बहुत ही अद्भुत और सुंदर,
और बनाने वाले को तो खैर मैं सलाम करूंगी, जिस तरह से इन पर मेहनत की गई है, कारीगरी की गई और बनाया गया है। और ख़ासकर मैं बहन जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि बहन जी के अंदर जो सोच आई, सामान्य और काशीराम जी के अंदर जो सोच आई, और जिस सोच को लेकर उन्होंने इस जो अम्बेडकर स्मारक स्थल है इसका निर्माण किया, वास्तव में एक इतिहास दे दिया है इस देश के लोगों को। और आइए मैं आपको सामने और लेकर चलती हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक तरफ बहन कुमारी मायावती की स्टैचू है और दूसरी तरफ सहा मान्यवर काशीराम जी की है। और पीछे से धीरे धीरे पानी छन रहा है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं दो हाथियों के बीचों बीच सफ़ेद रंग में महाकाणिक तथागत बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं चारों दिशाओं में स्थापित सफ़ेद कलर में, बहुत ही खूबसूरत। और साथियों ये दर्शाता है कि जो सहा मान्यवर काशीराम जी थे, उनका जो मिशन था, जो अगला स्टेप उनका था, वो था बौद्धिज्म की तरफ। वो रहे नहीं, विडम्बना है, लेकिन अगर वो जीते तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। और ख़ासकर आज जो भारत देश में दलित और ख़ासकर आज जो जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो जाति है अत्याचार शोषण हो रहे हैं, शायद वो नहीं होते। और आज जो SC ST OBC जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, घर पे भगवा झंडे लहरा रहे हैं, तो शायद अगर साहब मान्यवर काशीराम जी जिंदा होते तो वो जय श्री राम के नारे ना लगते, घर पे भगवा झंडे ना लगते, बल्कि चारों दिशाओं से बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज दिखाई देती। लेकिन साथियों दुर्भाग्य है भारत का कि जिस धरोहर के कारण भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला, और भारत के ही लोग आज उस गौरवशाली इतिहास से बहुत दूर हैं। और आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, मैं कुछ लोगों से चर्चा करना चाहूँगी, उनसे जानना चाहूँगी कि वो यहाँ पर घूमने आए हैं तो उनका उद्देश्य क्या है। भाई जी, नाम क्या आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार जी कहाँ से आए हैं? जिला पीलीभीत से। अच्छा, यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो ये प्रेरणा स्थल है ये किस उसमें बनवाया, किसने बनवाया, कुछ बेसिक जानकारी है इसके बारे में? जी ओ क्या बोलते हैं, नाम भूल गए, मायावती। अच्छा, वहाँ जो काफ़ी बड़ा एक वो बना हुआ है पिलर, उस पर बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ लिखी हुई हैं इसके बारे में, तो वो पढ़ी नहीं आपने? नहीं, ध्यान नहीं दिए। ये खाली घूम रहे हैं? जी। देखिए, अभी इंजॉय कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है, हम कहीं आए तो उस चीज़ के बारे में बेसिक जानकारी ले। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार। कहाँ से आए सुनील जी? मैं लखीमपुर से। लखीमपुर से। तो इस जो ऐतिहासिक धरोहर ये इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, भीमराव अम्बेडकर जी की याद में बनाई गई है। किसने बनवाई थी? यह सुश्री मायावती जी ने बनवाया है। तो उनका जब शासन काल रहा था तो कैसा था, क्या लगता है, आपने देखा होगा उस समय, क्योंकि आपकी उम्र क्या? अभी हमारी उम्र अभी 22 साल है। 22 साल है, वोट करते हो? हाँ। तो उस समय में और आज में क्या परिवर्तन लग रहा है आपको? अभी उस समय तो खास जानकारी है ही नहीं जी। हाँ, छोटे थे। हाँ। तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसका नाम क्या रखा गया इस पार्क का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जैसा बताया है। आपका नाम क्या है? सचिन यादव। कहाँ से आए हैं सचिन यादव जी? जिला देवरिया। पहली बार आए हैं? नहीं नहीं, सेकंड बार आए हैं। सेकंड बार आए हैं। तो जो ये स्मारक स्थल है इसका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों रखा गया उनके नाम पर, कुछ पता है? अच्छा, जो आपने बताया वो गलत है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो नाम है सही नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है इसका नाम। तो आपको पता है कि इसका नाम क्यों रखा गया? ये तो मुझे पता नहीं है। पता नहीं है। साथियों मैं आपको बता दूं, बड़ी विडम्बना है भारत देश में कि लोग इतनी खूबसूरत इमारतों को, इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए तो आते हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है उसको पढ़ने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ सेल्फी ले लेते हैं, रील बना लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, सिर्फ इतना ही काम यहाँ पर करते हैं। कहा जा सकता है कि जो इस पार्क का मनमोहक दृश्य है वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर भारी संख्या में घूमने आते हैं, वीडियो बनाने आते हैं और इन्जॉय करने आते हैं, लेकिन जो इसका इतिहास है उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, जो इसका महत्व है उसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग हैं, सेल्फी में व्यस्त है,
और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से मैं ये कह सकती हूँ, उनको जानकारी होनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो उनको ऐसे स्मारक स्थल पर फ़ोटो खींचने का भी अधिकार नहीं मिलता।